यूपी के बांदा में एक युवती अपने ही घर से 1 लाख के गहने और नकदी लेकर प्रेमी के संग फरार हो गई है। मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जिस समय युवती ने घर से गहने और नकदी चुराए, उसी समय उसके माता पिता खेत में काम करने गए हुए थे। पीड़ित परिवार ने थाने में बेटी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। लड़की के परिजनों का कहना है कि उनकी बड़ी बेटी की शादी हमीरपुर के एक गांव में हुई है। वहां उनकी छोटी बेटी अक्सर अपनी बहन से मिलने जाया करती थी। इसी दौरान उस गांव के एक युवक के साथ उसका अफेयर शुरू हो गया। उसी युवक के साथ मिलकर उसकी छोटी बेटी ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और वहां से फरार हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने बताया है कि उनकी बेटी 1 लाख रुपए के गहने और 15,000 रुपए नकदी लेकर फरार हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिवार की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पैलानी के SHO कुलदीप तिवारी ने बताया है कि युवक युवती की तलाश की जा रही है। जैसे ही दोनों को पकड़ा जाता है, आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।